أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا تحمید و تقدیس کبریائی پاکی بڑائی اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذات لئی جس خالق کائنات مالک کائنات نے انسان نو ولقد کرمنا بنی آدم اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسا شاہی تاج پہنایا پھر اس انسان نو اچھی اور بری چیز اندر فرق کرندہ شعور اور سمجھتا فرمائی درود و سلام سید الاولین والآخرین سید الرسل ختم الرسل فخر الرسل سید الانبیاء تاجدار انبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بھائیو بزرگو اور بڑے ہی عزت و احترام دے لائق پردہ نشین میرے روحانی اسلامی ماں بہنوں اللہ کریم دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس ذات نے سانو ایک مرتبہ پھر ایک مبارک اور مقدس فریضے نو سر انجام دین واسطے ایک بابرکت جگہ دے اندر جمع ہوں دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے مل بیٹھ کے اس فریضے دا ادا کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو بھائیو بزرگو سفر دا مہینہ اور ایدے اندر لوگاں دے عقائد بیانات سوچا خیالات بہت سارے لوگ جان دے کہ کمزور عقیدے والے لوگ کس طرح اس مہینے نو منحوس قرار دیں گے جبکہ ایدی نسبت دے نال اور ایدے نال تعلق والی چیزاں اور ایدے نال
चीजा जड़िया पिछले जुमे के अंदर बयान कीतिया फरिश्तिया का नजूल किन्ना लोगों ते होया अज के जुमे के अंदर वह काम दसे जाएंगे कुछ ऐसिया खूबियां दसिया जाएगियां जिन्हां दे नाल फरिश्ते नाजल होंदे ने और इहदे नाल नाल वह नहूसत दसी जाएगी वह बंदे दे अंदर बुरी खसलत दसी जाएगी जिस बुराई नूं फरिश्ते भी ना पसंद करदे ने अल्लाह भी ना पसंद करता है। ऐसिया बुराइयां जिन्हां नाल फरिश्ते दूर नस भज जांदे और अल्लाह ताला भी उन्हां चीज़ां नाल नाराज होंदा है, रसूल नाराज होंदे। नहूसत पता चलेगा कि असल मामलात की ने किन्ना चीज़ां हुंदी है, असीं की सोचदे बंदे दे अपने बंदे दे अपने अमाल होंदे ने जिन्हां दी वजह तो बंदे ते नुकसान पैंदा है। किसे चीज के अंदर 12 महीनों चो अल्लाह तबारक व ताला ने किसे महीने नूं मनहूस नहीं बनाया। मनहूस बंदे दी सोच बन सकती है, मनहूस बंदे दे अमल हो सकते ने, मनहूस बंदे दा अकीदा हो सकता है, करतूत बंदे दे इस किस्म दे हो सकते ने जिन्हां दी नहूसत इस बंदे ते पै सकदी। अल्लाह तबारक व तआला ने ते खुद इरशाद फरमाया है إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله مہینے دی تعداد اللہ دے نزدیک 12 ہے اور فرمایا ایک نئی چیز نہیں بعد وچ نہیں بنائی گئی فرمایا یوم خلق السماوات والارض जिस दिन अल्लाह पाक ने जमीनों आसमान पैदा किए सन बनाए सन उस दिन तो अल्लाह तबारक व तआला ने महीने भी 12 ही बनाए ने। फरमाया मिन्हा अरबातुन हुरुम इन 12 विचों 4 महीने हुरमत वाले ने। फरमांदिया फरमांदिया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिक दीन कईम ए दीन टेढ़ा नहीं, ए दीन वन सोनिया चीजा नहीं वखांदा, एक राह वखांदा है, एक राह वखांदा है जिहड़ी सीधी राह है। और किसे महीने दे बारे च यह अकीदा रख लेना कि यह मनहूस है, यह नहीं है, यह सफर दे महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मबूस होए लोगों के अकायद वेखे अजीब अकायद बने, अल्लाह के रसूल सल्लम ने इन कमजोरियों दूर किया और इस किस्म के जहनों साफ किया और मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने तालीम फरमाई, ऐसी चीजा सिखाइया कि लोग ऐसे अकायद तो बच जा। और मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने फरमाया सुन लो ला सफरा वाला अदवा वाला तियारा, कोई सफर का महीना मनहूस नहीं। एवें लोगों ने अकीदे बनाए ने ऐसी कोई चीज नहीं, वाला अदवा कोई बीमारी मुतादी नहीं होंगी, जिन्हू लगनी है रब वालों लगनी है, ये नहीं है कि आंदे तो मैनू लगी तो आंदे तो मैनू लगी। वाला तियारा कोई बदशगुनी नहीं है, आ परिंदा इन उड़ गया तो मेरा नफा, जे परिंदा इन उड़ गया तो मेरा नुकसान। इस किस्म दियां सोचा मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने खत्म करवाइया ने। नहूसत इन्हां चीजा च नहीं, नहूसत बंदे दे अपने अमाल दे अंदर हुंदी है। मैं फरिश्तियां दा नजूल बयान कीता सी शख्सियात ते, अज मैं दसना है कि फरिश्ते कम्मा केड़िया नूं पसंद करदे ने ते फिर नाजल किवें हुंदे ने और फिर दुआवां किवें करदे।
देने ते अल्लाह की में राजी हुंदा है। और ओ केड़े काम ने मनहूस काम, मनहूस काम जिन्ना दी वजह तो फरिश्ते दूर चले जांदे ने, दूर सफर दे महीने ना बुरा भला क्या करो, कोई कुंगड़िया मंगन की लोड़ नहीं, कोई इधर उधर दिया चीजा खीरा ते कुंडे ते इधर उधर दिया चीजा ने ज़ेन रखना कुफर है, अकायद ने ए बुरे अकायद ने। अल्लाह जी नबी सल्लम बीमार हुए सन जी, तेरा तेजा ते ये ते वो ते फलां ते ठीक, ये सब अकायद बुरे। मेरे पाक पैगंबर सल्लम ऐसिया चीजा नू खत्म करन आए, जे फिर भी असी ओही चीजा अपनानिया ने ते फिर मेरे पाक पैगंबर दी तालीमात दा की फायदा, कुरान दा की फायदा, हदीसा दा की फायदा। एहो ही तो कुरान है, एहो ही तो हदीसा ने जिन्हां दे जरिए मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने लोगों की जिंदगी बदल छड़ी। पाक पैगंबर दे आन तो पहले लोगों के इस तरह के अकायद सन, लेकिन जब अल्लाह पाक ने कुरान नाजल किया फरमाया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीन रसूला, फरमाया अल्लाह पाक ने उम्मी लोगों के अंदर अपना रसूल भेजे, उम्मी लोगों के अंदर फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, इन्हां उत्ते कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के मेरे पाक पैगंबर इन्हां नूं पाक पै कर दे, वायु ज़कीहिम इन्हां दे दिलां नूं धोंदा पिया है, साफ पै कर दे, वायु अलिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरे पाक पैगंबर सल्लम कुरान पढ़ पढ़ के खुदा किताब सिखा रहे ने, दनाई दिया गल्ला सिखा रहे ने, अकल वालिया गल्ला सिखा रहे ने। इत वहम ही नहीं जानते बंदियां, तवहम सुपरस्टिशन, ऐसे अकायद बुरे, छोटी छोटी गल ते बुरे बुरे अकायद। और फिर वैसे कोई मिट्टी लग जाए तो असी रोज तो हा लैनी, ते जे बुरा अकीदा साढ़े ते सवार हो जाए, चंगे भले बंदे, चंगे भले बंदे खूबसूरत तरीन गड्डियां, कई लित्र मगर बने ने, कई काले कपड़े मगर बने ने, कई जनाब इधर ते उधर टंगना, बुरे अकायद यही तो चीजा मेरे पाक पैगंबर खत्म करने आए सन। असि उन्हें चीजा ने दोबारा अपन जिंदगी च लै आए और मेरे पाक पैगंबर की तालीमात को फरामोश कर, साफ सुथरे अकायद बनाओ, साफ सुथरे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इन चीजों ने तो खत्म करना है, और मेरे पाक पैगंबर की आमद मबहूस होना बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बास फीहिम रसूलम मिन अन्फुसिहिम, अल्लाह पाक ने मोमना ते बड़ा वड्डा एहसान कीता जिहड़ा इन्हां नूं अपना रसूल अता कर दिता, वरना बयान करते करते अल्लाह पाक ने फरमाया वाइन कानू मिन कबल लफी ज़लालिम मुबीन, मेरे पैगंबर दे आवन तो पहले खुली गुमराही जिसन, ते बाद विच फिर ओवें असी बनाता निजाम ओदे। सहाबा ने अमल किया मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी ते, ते साफ सुथरे ते साफ शफाफ हो गए, अल्लाह पाक ने उन्होंने पसंद फरमा लिया, क्यों उन्होंने अमल उस चीज से किया जी खालिस मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने पेश की। असी राहे हक तो हट चुके हैं, साडे अकायद बहुत बातिल बन चुके ने, बहुत गलत नजरियात असी दीन दे विच रखने आ, है मुसलमान आ, लेकिन पता नहीं साडे अकायद दे उत्ते केड़ी चीज फिर गई कि असी नाल नाल शैतानी ताकतां नूं भी बड़ा मजबूत समझ रहे हैं। मेरे भाइयो साडे अपने अमाल ऐसे ने जिन्हां दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत मुंह मोड़ जांदी, वरना कोई महीना कोई लम्हा कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिदे अंदर बंदा कहे कि हुण आ चीज इस बंदे की वजह तो मेरे ते आ हुए, इस महीने की वजह तो मेरे ते आ हुए, ऐ हफ्ता मेरे वास्ते बुरा, आज का दिन ही मेरे लिए भैड़ा है। लो अल्लाह ताला तो बार बार कुरान च कह रहे वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलआबीद, अल्लाह ताला बंदियां ते जुल्म नहीं करदा,
अल्लाह ताला बंदियां ते जुलम नहीं करदा। किधरे फरमाया बमाना भी जल्ला मिलिया भी, मैं बंदियां ते जुलम नहीं करदा। बहुत सारी जगह ते फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जेड़ी भी तुहानू मुसीबत आंदी है तुहाडे अपने हत्थां दी कमाई हुंदी है। मुसीबतिन कितने अल्फाज ने मुख्तलिफ सिफारियां दे अंदर तुहानू मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सब बंदियां दे अपने हत्थां दी कमाई है, सब शिकवे रब दे। अल्लाह ताला फरमा दिया मैं किसी बंदे से कदे जुल्म कीता ही नहीं। ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, खुशकी तरी हर पासे जड़ा फसाद फैले है ना, फरमाया बीमा कसबत ऐदी नास, इस वजह तो फैले है कि लोगों के अपने हथा नहीं कमाई, गुना महीने का बना दिता है, गुनाह से लम्हियां दे बना दिता है, गुना अल्लाह तबारक व तआला दी तकसीम के अंदर असी हिस्सेदार बन गए, उनकी कुदरत के अंदर दावेदार बन गए। कोई चीज किस्मत में तब्दील नहीं करती। अल्लाह तबारक व तआला ने जो निजाम सेट किया है इसके अंदर बार बार तब्दीलियां नहीं आती। बंदियां दे कहे किस किस्म दे जिहड़े विच हाथ ने जिहड़ियां विच सोचा ने इन्हां चीजां नाल कोई फर्क नहीं पैण लगा। अपने ज़हन को मजबूत रखो, दीन को मजबूत रखो, अकायद को मजबूत रखो। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई सारे अमाल बयान फरमाए ने जिन्हां दी बिना ते साबित हुंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हां कम्मां नूं बड़ा पसंद करदा है, इन्ना पसंद करदा है कि अल्लाह दे फरिश्ते नाजल हो जांदे ने, और कईआं कम्मां नूं अल्लाह इन्ना बुरा समझदा है फरिश्ते भी दूर चले जांदे ने, ते रब दी रहमत फिर आनी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ना घरां दे अंदर कुत्ता होए, कुत्ता अंदाजा लगाना जरा माशरे दे अंदर, अपनी गली महल्ले दे अंदर, अपने इलाके दे अंदर, मुल्के पाकिस्तान दे अंदर, यूरोप ते बड़ी दूर दी गल है, इत्थे जिथे मुसलमान वसदे ने सऊदीया तो बाद जिहड़े इस्लाम दा किला है पाकिस्तान, इत्थे मेरे पाक पैगंबर फरमा रहे ने जिस घर दे अंदर कुत्ता होए या तस्वीर होए फरिश्ते आउंदे नहीं। असी मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि गुनाह महीने का बना दिता जाए कि नहुसत अपनी अमाल भी हो, ये ना इंसाफी। हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। शैतान ने बुरा भला कहते हो, असी आत्मे हत्थां दी कमाई अपनी जेड़े साड़ियां शामतां अमान दियां ने यही साढ़े त्याग। नबी का भी घर होवे ना, नबी का भी तो फिर भी उस घर च अगर कोई कुत्ता होए या तस्वीर होए उत्थे भी फरिश्ता नहीं आता, तो असी किस बाग दी मूली। बड़ा अपने आप को समझे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिब्रील ने वादा किया कि फला वक्त फला टाइम मैं तुहाडे कोल आवांगा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वक्त आया टाइम आया इन्ना शिद्दत नाल इंतजार किया जिब्रील दा, पर जिब्रील आया नहीं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ मुबारक विच सोटा है, मेरे नबी दे हाथ च लाठी है, वह सोटी मेरे नबी पाक ने सुट दिती, और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे अल्लाह भी कदे वादे दी खिलाफ वर्जी नहीं करदा, उन्हें फरिश्ते भी कदे वादियां दी खिलाफ वर्जी नहीं करते। पता नहीं की वजह बन गई जिब्रील नहीं पिया आउंदा। अचानक
नजर पई मेरे पाक पैगंबर सल्लम दी, या पता लग गया मंजी दे थले ना एक पीला छोटा जा कुत्ता, कुत्ते दा बच्चा कह लो, वो मंजी दे थले जो ही मेरे पाक पैगंबर सल्लम नु पता लग गया, उससे वेले मार मार के पजा छड़िया। थोड़ी देर गुजरी तो उससे जिब्रील आ गया, उससे वक्त जिब्रील आ गए। मुस्लिम शरीफ पढ़ के देखो, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील नु कहन लगे, जिब्रील वातनी तू ता मेरे नाल वादा कीता सी के फलां वक्त मैं आवांगा, क्यों नहीं आया, केड़ी चीज ने तन्नू रोक लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी बात बयान फरमाई, सुन लो, अपने अकायद नु दुरुस्त कर लो, अपने अमाल नु दुरुस्त कर लो, अपनियां सोचां नु ठीक कर लो, हजरात अपने शौक तब्दील कर लो, अपने मिजाज तब्दील कर लो, एवें ना समझिया करो आ चीज मैनू चंगी लगती है ते मैं घर गुजरा, आ चीज मैनू पसंद है मैं घर गुजरा। इत्थे कहिंदे ने मेरा परसनल मामला है, मेरा परसनल मैटर है, मेरा जाती मामला है, मेरी जात मेरी मर्जी, किसे नू की लगे। ओ मेरे भाई अपने वालदैन दी लाज रखिया कर, अपने दीन दी लाज रखिया कर, अपने उस्तादां दी लाज रखिया कर, जेड़े जुमे पढ़ना सुन लाज रखिया कर, जेरी तालीम लई फिरना उनकी लाज रखिया कर, जेरिया डिग्रिया लई फिरना उनकी लाज रखिया कर, जे फिर भी शर्म नहीं आती जरा कलमा पढ़िया ही उनकी लाज रखिया कर, कुत्ते ना शौक न पालिया कर, घरां च ना लई फिरिया कर, पालतू कुत्ते ना इधर भी आम उधर भी आम। कंगनपुर बैकवर्ड एरिया फुल बॉर्डर से इतने भी तुहानू ऐसे घर मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे जिन्हां दे नौजवानों ने कुत्ते करी पाले। घर नबी का भी होवे ते फरिश्ता नहीं आउंदा ते असीं की लभांगे, कित्थों आणगीआं रहमतां। जदों इस किस्म दे शौक होवन ना फिर गुनाह महीनिया का बनाउंदे ने, लोग अपना नहीं बनाउंदे, गुनाह किस्मत का बनाउंदे ने, अपना नहीं बनाउंदे। फिर गुस्सा सफर दे महीने दे निकलदा है, शामत अपने अमाल दी हुंदी है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जिब्रील ने अर्ज कीती, सोनिया जिस घर दे अंदर कुत्ता होवे या तस्वीर होवे उस घर दे अंदर फरिश्ते दाखल नहीं हुंदे। किड्डी वड्डी गल है, ते असीं मेरे भाईओ इहो ही घर है ना मेरे पाक पैगंबर दा। ये हसन हुसैन जन्नत दे सरदार, कैसिया कैसिया शाना वाले उन्होंने घर च भी कुत्ते हो फरिश्ते नहीं आते, तो असं कितों रामत रवाजा मारते फिरने, कितने दूर खलो के करनिया मर्जिया तो मंगनिया रामत, योजना ना इंसाफिया रब नहीं करता। अल्लाह ताला दी मर्जी की तरफ आओ, अपनी मर्जी को पिछे छोड़ो, रसूल की मर्जी की तरफ आओ, फरिश्तिया की मर्जी की तरफ आओ, जिथे फरिश्ते आवन ते नस नस के आवन, नाले दुआवां करन, नाले रहमत मंगन, नाले तेन जन्नत लैके देन। ऐसा बन ऐसा ना बन कि आए हुए भी वापस चले जाओ, किस्मत मुड़ जाती है। कई बंदे दे कम ऐसे हैं, किस्मत अच्छी है अच्छाई रहमत अल्लाह की मुंह मोड़ जाती है, फरिश्ते भी नस पर जाते। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील ने वादा कीता, जिब्रील आके कह रहे ने मेरे नबी नू के मैं राती आया सा ते फिर वापस चला गया। दूसरी हदीस सुना रहे हैं, पाक पैगंबर नू जिब्रील दस रहे ने अतई तुल बारी हता, ऐ पैगंबर मैं राती आया सा पर अंदर नहीं आया। मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने फरमाया, जिब्रील तू क्यों ना आया। पाक पैगंबर नु जिब्रील अर्ज करदे ने, हुजूर जिस घर दे अंदर तस्वीरां होवन तस्वीरां, फरिश्ते उस घर दे अंदर दाखल नहीं हुंदे। मैं वेख्या सी दरवाजे ते एक कपड़ा लटकिया सी, उस कपड़े दे उत्ते तस्वीरां बनिया होईयां सन, उन्हां तस्वीरां नु वेख के मैं वापस चला गया। अल्लाह दे रसूल तो बिल्कुल इन्हां चीज़ां नूं पसंद नहीं सन करदे, फरिश्ते नहीं आउंदे इन्हां चीज़ां नाल। असी बस डिजाइन सोहना होना चाहिए, रंग सोहना होना चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में।
मेरे भाइयों क्यों अपनी मर्जी का दीन बनाई फिरते हो, क्यों अपने शौकों के उत्ते रब की रहमत नूं आवाजा मारते हो। शौक नबी का अपनाओ और मिजाज नबी का फरिश्तिया वाला अल्लाह की जात जरा मिजाज पसंद कर दी है, ऐसा मिजाज बनाओ अल्लाह दी रहमत भी आनगी रब के फरिश्ते भी आने। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कादिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सफरिन, एक सफर तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, जदों वापस आए तो मेरे पाक पैगंबर सल्लम के सामने एक तकिया और एक हदीस के अंदर आंदा एक पर्दा नजर आया, मेरे पाक पैगंबर सल्लम नो अल्लाह दे रसूल उत्थे खड़े रहे अंदर आए नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी किताब के अंदर जड़ी हदीस ना फरमांदियां ने जदों मैं अल्लाह दे रसूल नू वेख्या कि अल्लाह दे रसूल अंदर नहीं आ रहे, मेरे घर च आ ही नहीं रहे, मैं कन्ना नू हाथ ला के तौबा की, हुजूर मेरी तौबा होया कि गुनाह की होया, वजह की बनी, क्यों नहीं अंदर आ रहे। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर च तस्वीरां होवन मैं उस घर च नहीं वड़ना। ओ जड़ा पर्दा है या हदीस दे विच आंदा ओ जड़ा तकिया है उस तकिए दे उत्ते निकियां निकियां परिंदियां दी तस्वीरां बनियां ने, इन्हां तस्वीरां दी बिना ते मैं नहीं आउणा। हज़रत आयशा सिद्दीका हदीस या वो पर्दा सी जड़ा उन्हों खत्म किया या उस तकिए नू दूर किया तो फिर जाके मेरे पाक पैगंबर सल्लम घर के अंदर तशरीफ लियाए। असी आम ही हर चीज़ नू समझ रहे, आम जिवें मर्जी आओ जाओ, जिवें मर्जी घर बनाओ, जिवें मर्जी पर्दे लाओ, जिवें मर्जी शौक बनाओ, जिवें मर्जी फैशन बनाओ, ऐसे अमाल होणगे तो फिर रहमत भी नहीं आएगी फरिश्ते भी नहीं आएंगे। बड़े नेक बड़े बड़े नमाजी बड़े बड़े हाजी बड़िया बड़िया दाड़ियां वाले बड़िया बड़िया पगड़ियां वाले इस चीज का शिकार ने गल ही नहीं मनी, ना कोई पुत्र मनन वाला ना धियां मनन वालियां, मर्जी के नाल घर के अंदर जो चाहे हो रहे। मेरे भाइयो मेरे पाक पैगंबर सल्लम के मिजाज से आओ, उस तबीयत से आओ, इतात और फरमा बरदारी से आओ, फिर जाके अल्लाह दी रहमत भी आ जाएगियां, नहुस्त सब खत्म हो जाएगियां और अल्लाह दी रहमत दोबारा वापसी इख्तियार करनगियां, अल्लाह तबारक व तआला की जात भी साढ़े ते राजी हो जाए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जदों वो तकिया वेखे ना मेरे पाक पैगंबर सल्लम अल्लाह दे रसूल ने उत्थे वो गल फरमाई, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया जड़े तस्वीरां बनांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा युअज़्ज़बून, उन्हां नूं अज़ाब दिता जाएगा अज़ाब जड़े तस्वीरां बनांदे ने। शौक तो बड़े ने, कारोबार भी बड़े ने, हजरात सिलसिले भी बड़े ने, निजाम भी बड़े ने, पर खुद ऐसी चूज करना है, खुद चुनना है करना की है, शौक के खोजे बनाने ने, मिजाज के खोजे बनाना है। मेरे पाक पैगंबर सल्लम बार बार ना कोई तस्वीरां बनाईया, ना मेरे पाक पैगंबर ने घर च चीजा पसंद की दिया, फिर भी मेरा नबी बार बार डरांदा नजर आया, बार बार सिखाउंदा नजर आया, बार बार पढ़ाउंदा नजर आया, बार बार दसदा नजर आया। मेरा पाक पैगंबर अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जड़े तस्वीर बनाते ने कल क्यामत का दिन होएगा इन्हों अजाब दिता जाएगा, नाले अल्लाह फरमान गे जिंदा करो जिंदा करो इन्हों जिंदा करो जड़िया तस्वीर बनाइया जे इन्हों जिंदा करो कर लेंगे असी कर लेंगे। फजूल नवी शक्ल मोबाइल का दौर है, अगे फिर आर्टिस्ट हाले भी मौजूद ने बड़े बड़े जबरदस्त तस्वीर बनाने वाले चलता हाले भी हथाते
सब मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने शौक इस किस्म दे रोक दिते ने और मेरे पाक पैगंबर ने बड़े सख्ती दे नाल वार्निंग दिती है कि इन लोगों नू अजाब दिता जाएगा और बदलती हुई शक्ल तस्वीरां दी मोबाइल सेल्फी मर के सेल्फी भी खातर लेके बैठी सानू सेल्फी साड़ी इबादत भी पकीजा ना रही साड़ी हज पकीजा ना रही साड़ा उमरा पकीजा ना रहा साड़ी नमाज पकीजा ना रही साड़ा सदका पकीजा ना रहा। थोड़े दिन पहले मैं एक क्लिप देखिया एक औरत हजार हजार के नोट कट के ना कार चो एक फकीर नू बुलांदी है ते फकीर नू हाथ च नोट फड़ा के एक हाथ अपना नोटा नू पाया ते बच्चे नू कह रही तस्वीर ला उन्हें तस्वीर ला दी ते उन्हें नोट पिछा खींचे तो फकीर हैरान हक्का बक्का परेशान पूछता है वजह की बच्चा को जो तस्वीर ला दिया वह कहता है यह तो सोशल मीडिया वास्ते उन्होंने तो दस ही दी उन्होंने दोबारा दस ही दिते ने वह हजार हजार चक्कर ऐ साड़िया इबादत जाया हो गई साड़िया नमाजा जाया हो गई साढ़े इस तो अलावा जेडे काम सन उन्होंने चीज़ों ऐ सेल्फी ने तबाहो बर्बाद कर दिता साढ़े शौक और तुसा कहना यह तो वैसे अक्स कैमरे का अक्स लेकिन जेडे सत सत किस्म के कैमरे विच कीते ने आ ब्यूटी प्लस आ ब्यूटी कैमरा आ बलोर मार जरा तस्वीर बलोर आ फला कर दे इन ये कर दे थोड़ी जी सुरखी इंज होनी चाहिए है आ गल थोड़ी जी इंज होनी ऐ तो वह आर्टिस्ट ने ऐ तो वह फन ने ऐ तो वह तस्वीर ने जी अस बना रहे चलो कैमरे ने जिड़ी चीज कैप्चर कर ली उत्ते कर ली पर जेडे असी उत्ते पालिश करने एप्लीकेशन जिहड़ियां डाउनलोड कीतियां ने वन सवनियां ओह क्या ये रंगबाजी नहीं बच जाओ मेरे नौजवान साथी इन चीजों तो बच जाओ गलत इस्तेमाल कर रहे हो इन चीजों का गलत। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजाब दिता जाएगा अजाब असी बाज ही नहीं आ रहे और वड्डिया तस्वीर तो कुछ भी नहीं चरेंद परिंद की जड़े पर छोटे छोटे परिंद ने उन्होंने तस्वीर तो मेरे पाक पैगंबर ने मना कर दिता घर च नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिता सफर तो आए अल्लाह रसूल ते पर वाले घोड़िया दया फोटो निकिया निकिया बड़िया सी अल्लाह रसूल सल्लम उन्नी देर अंदर नहीं सन बड़े जिनी देर वह दूर ना किया गया तिरमिज़ी अबू दाऊद मुख्तलिफ हदीसा पढ़ो पता चल जाएगा साडे अपने अमाल जिन्हां दा ज़ात नाल ताल्लुक है ज़ात नाल बंदे दे जिस्म नाल ताल्लुक है कपड़े नाल ताल्लुक है और बंदे दी सोसाइटी नाल ताल्लुक है इन चीज़ों च भी ऐसिया चीज़ा ने जिन्हां नाल नौसत है। सफर दे महीने का कोई गुड़ा ला सफरा कोई सफर दे महीने च नौसत नहीं वला अदवा कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं वला तियारा कोई बदशगुनी नहीं ये हदीस काफी है दजने विच जिन्ना चीजों नाल नौसत फैलदी है साडे अपने अमाल ने। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया केड़िया केड़िया चीजा ने जिन्ना नाल नौसत फैलदी है फरिश्ते भी दूर चले जाते ने दूर चले जाते ने। पहला की है काफर की लाश काफर की लाश ऐसी है जिन्हें तो फरिश्ते दूर नस पड़ता जेफतुल काफिर और उस तो बाद खलूक इस्तेमाल करने वाला जेड़ा खलूक जेड़िया खुशबुआ च जाफरान पैंदी ना उन्हां खुशबुआं ते फरिश्ते नहीं जांदे भावे खुशबू है सख्त नफरत की थी मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने सख्त बुरा समझे मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने खलूक नू वो खुशबू है मेरा खलूक। हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं किरे गया सा काम करता रहा मेरे हाथ फट गए हाथ फट गए इन्ना पाटे हाथों से मेरे घर वाले ने खलूक ला दिती वो खुशबू जाफरान मिली खुशबू सी उन्हें पता होना लोगों के अंदर आराम आता है या गल सुनी होनी क्यों उन्होंने हथा से खलूक ला ली
ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल चले गए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बुलांदे ने अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह दे रसूल ने ना मरहबा आख्या, ना खुश आमदीद आख्या, ना सलाम दा जवाब दिता। अल्लाह दे रसूल ने बगैर कोई गल कीते फरमाया इनू धो लै, छेती धो लै, छेती धो लै। कह लगे मैं धोवन गया, चंगी तरह धोती, मैनू पता ही ना लगे एक जगह ते निशान रह गया। मैं दोबारा जाके अस्सलामु अलैकुम आख्या, अल्लाह दे रसूल ने मैनू फिर सलाम का जवाब ही को नहीं दिता, सलाम का जवाब ही ना दिता मैनू अल्लाह दे रसूल ने, ना ही मैनू वेलकम आख्या। अल्लाह दे रसूल ये गल करन, धो लै इन छेती धो लै, बस छेती धो लै। मैं फिर गया, लभे लभे वो निशान दिसिया, मैं धोता। तीसरी दफा मैं जो गया अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल ने सलाम बुलाया, मेरे नबी ने सलाम का जवाब भी दिता, तो मेरे नबी ने मैंने मरहबा भी आखी। ऐसिया कई चीजा ने जिन्होंने अल्लाह के नबी ने बिल्कुल ही पसंद नहीं किया, बिल्कुल। असियां ने फिर क्यों मौलवी ने, उन्हें तो दीन करना ही करना, उन्हें तो जुम्मे च कहना ही कहना, इन्होंने मौलवियों मजम्मत करनी ही करनी, पर आप आदि मर्जी करनी, इन्हों की पता है दुनियादारी का। है मेरे भाईओ, पसंद वेख्या करो, अल्लाह के रसूल की पसंद की है, अल्लाह तआला की पसंद की है, फरिश्तियां की पसंद की है। और अगली बात, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशई बंदा, नशई फरिश्ते नहीं जाते। फिर उन्हें सवारा जेब च, मसीते बढ़न लग्या, एक पैकेट नसवार दा उत्थे रखना है, एक डब्बी सीटा दी उत्थे रख देनी, तो उदो बाद वजू करना है, नमाज पढ़नी। और मेरे भाईओ, जेड़े काम ते फरिश्ते नेड़े नहीं लगना, साडा दूर रखन नाल या परां करन नाल की फर्क पैगा? छड्डिया तो नहीं असीं उहनूं, छड्डिया तो नहीं ना। बे जुमले बहुत तलख ने, बहुत ही तलख बात है, सख्त गुफ्तगू है, लेकिन मैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसा सुना रहा, मैंने इस गल ते कोई टेंशन नहीं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशई बंदे कोल फरिश्ते नहीं आउंदे, नहुसते इनू फरिश्ते ना पसंद करदे ने, अल्लाह भी ना पसंद करदा, नबी भी ना पसंद करदा। इनू नहुसत कहिंदे ने, इनू बुरी चीज कहिंदे ने, यह बंदा मनहूस है जिहड़ा नशा करदा। निकी निकी गल, मैं कड़ा बेहोश पैंदा, मैं कड़ा मदहोश पैंदा, तो नशा नहीं तो फिर छड़दा क्यों? जिहड़ी चीज की बार बार तलब हो रही है वह नशा नहीं, तो फिर अगर नशा नहीं तो फिर तलब क्यों होंगी बार बार? जिसम क्यों मांगता? उन्हें छड़ चुके होना सी, पता चले चीजा नशे च ने, पत्ती वाले पान खाधी जाए नशा, सिगरेट पीती जाए नशा, और नुसवान खाती जाए नशा। फरिश्ते नेड़े नहीं लगते इन्होंने चीजा नाल। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुन भी बंदा नापाक बंदा जिंदे उत्ते गुसल फर्ज हो जाए, जिनी देर गुसल नहीं ना कर लेंदा, उन्नी देर उनके नेड़े फरिश्ते नहीं लगते, वह मनहूस होनी है। यह नहूसत साढ़े अमाल दी है। इतों निकलो नमाज पढ़ के गली च जाओ, एक दावत दी नमाज दी, उन्हें कहना मैं सुबह शुरू करांगा, मैं परसों शुरू करांगा, क्यों? आज मेरे कपड़े नहीं ठीक। अगर गए एक होर मिलिया, उन्होंने भी नमाज की दावत दी, वह कहते नहीं कर साहब, आज नहीं, आज नहीं, कल तो या परसों तो। वजह की है? कान की तरफ, मैं ना एडी नहुसत, एडी बुरे अखाए, एडी बुरी हरकत, इन हरकतों की बिना से फरिश्ते दूर चले जाते। जिस बंदे ते गुसल फर्ज है, देर ना करे। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत है, अमानत इन अदा करो, फौरन अदा करो। तीन चार मौके ने जिथे मेरे नबी ने इजाजत दी है, लेकिन वुजू शर्त है, वुजू शर्त। अगर जुनबी बंदा जिंदे ते गुसल फर्ज है, वह लेट हो रहा नहावन तो, सहरी का टाइम हो गया है, रोजा रखना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजा रखे, खाना खावे, वजू कीता होया ते फिर वजू तो बगैर नहीं। अगर इन्हें सोना है, हाले नहाना नहीं चाहता, मेरे पाप पैगंबर ने वजू शर्त ला दी, पहले वजू कर ले फिर सौ जी थोड़ी देर, उस तो बाद उठ के नहा के नमाज पढ़ ली। अगर तू
खाना खाना है ते तावी पहले वजू कर फिर गुसल कर ली फौरन। इस किस्म की शरारत मेरे पाक पैगंबर ने ला के बार बार मेरे नबी ने फरमाया वजू किया है तो कुछ देर कर सकते जे वगरना जुनबी बंदा नापाक बंदा जिंदे ते गुसल फर्ज है उन्दे ते ना को फरिश्ता नेड़े लगना है ना अल्लाह की रहमत आवनी है और उन्नी देर मनकूस ऐसी खुले खाते ने लगे फिरने हैं नाइट ड्रेस है जी आ मेरा फलाना ड्रेस है जी आ मेरा फलाना ड्रेस है इनू मैं इस टाइम पाना इनू मैं इस टाइम पाना तो ये कदे वेखे नहीं भी ये पलीत भी है कि पाक कदे नहीं वेख्या नूस मनूस कौन है जिहड़ा सुबह सुबह रेहड़ी ते मत्थे लग्या ओ तुफ तेरे ते अफसोस तेरे ते अफसोस इस बात का कि मनहूस तू खुद से मनहूस तेरे काम सन मनहूस तेरिया सोचा सन मनहूस तेरी सुस्ती सी मनहूस तेरी कमजोरी सी गुनाह तो अगले का बनाता आमाल ऐसे कि फरिश्ते उतरे सोच ऐसी बना के फरिश्ते आवन नेड़े लगन तेरे कोई रब की रहमत तेरे नेड़े आवे। इसे तरह मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर के अंदर या जिस काफले के अंदर कैंटी होवे कैंटी कुत्ता या कंटी उस काफले च फरिश्ते नहीं ला तसहुबुल मलाइकतु रुफकतन ऐसे काफले नाल फरिश्ते नहीं रलदे जिस काफले के अंदर जरस घंटी होवे कैंटी टन 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 ऐसिया चीजा अल्लाह के रसूल ने भी ना पसंद किया फरिश्ते भी ना पसंद करते और साढ़े काफले। लेकिन मैं बड़ा खुश हो पिछले दिन बयान आया कि मोटरवे से जड़िया गड्डिया इंडियन फिल्म चल दया सन ना एसी टाइम वगैरह बड़िया बड़िया गड्डिया उन्होंने पाबंदी ला दी मैं बड़ा खुश हो बाहर अल्लाह इस्तकामत दे। लेकिन पाक पैगंबर सल्लम ने आज तो 1400 साल पहले जिहड़ी तालीम दीती है उसके अंदर बात वाजे है मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने फरमाया ला तसुबुल मलाइकतु रुफकतन ऐसे काफले नाल फरिश्ते शरीक नहीं होंगे फिर जरस जिस काफले च घंटी हो घंटा हो वड्डा टन टन वड्डा और फरमाया जरसू मजामीर शैतान ये जड़ी घंटी वाली चीजा ने टन टना टन ये शैतान दे आले ने शैतान दे वाजे असि वाजे जेबा च लई फिरने मसीत नूं माफी ना मिली और क्यामत की निशानी मेरे पाप पैगंबर सल्लम ने फरमाया क्यामत जो करीब होएगी वह ज़हरा तिल कैनात वल महाजिफ क्यामत के करीब इस किस्म के मौसीकी वाले आलात आम हो जाएंगे। और एक हदीस के अंदर इससे मेरे पाप पैगंबर ने फरमाया वह ज़हरा तिल स्वात फिल मसाजिद मस्जिदों के अंदर आवाजा उचिया हो जाएंगिया शोर बुलंद हो जाएंगे जेड़ी गल आई कर दिती उची कर दिती इनू बुला लिया ओनू भी बुला लिया इनू भी जुगत मार ली ओनू भी मार ली इनू साड़िया कमजोरिया ने इन्हों कमजोरिया शैतान दे आले समझो शैतान दे वाजे समझो घंटिया बंद करया करो मोबाइल नू बंद करया करो इन्हों म्यूजिक वाली चीजा तो बच जाओ। मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने ना पसंद फरमाया तेरे गाने बड़ी दूर म्यूजिक बड़ी दूर मौसीकी बड़ी दूर ढोल बांसुरी मेरे पाक पैगंबर ने आवाज सुनी सी बांसुरी दी ते कन्ना च उंगल पा ली दूर चले गए दूर आप नहीं उंगला लाइया नौकर नू खादम नू आख्या चेक करी जरा दोबारा आवाज ते नहीं आ रही तू चेक करी जरा आवाज आप नहीं रही वाली ओ आवाज ते नहीं आ रही उन्हें नहीं हले उंगला ला ली फिर असी गुजारा ही कोई नहीं गुजारा ही कोई नहीं मेरी नौजवान नस्ल तबाह हो गई मेरा माशरा बिगड़ गया दाड़ियां मुंह ते रखिया ने कई नौजवान मोबाइल वेखो अल्लाह की पना साढ़े गुजारे नहीं म्यूसीकी तो बगैर मेरे भाईओ ये रूह की गजा नहीं ये तेरे शैतान की गजा है तेरा शैतान अंदरों बड़ा राज पुज चुकया तेरे तो तंगड़ा हो गया बकाल शैतान लम्मा खुद ये लामर कल क्या मत दिन होएगा शैतान की कहेगा
जड़े वादे रब ने किते सी ओ वादे सच्चे सी, जड़े वादे मैं किते सी ओ वादे झूठे सी। नाले मैं एडा जोर कदों लाया सी, मैं कदों जोर लाया सी, मैं तो तुहानू वही ज़ेहन च गल पाई सी फस्त जब तुम ली तुसा कबूल कर लो। अंधाउतुकुम मैं दावत दी फस्त जब तुम ली तुसा कबूल कर लो। फला तलूमूनी हुण मैनू बुरा ना आखो, शैतान तेरा शैतान हुण मैनू बुरा ना आखो। वलूमू अनफुसकुम आप दियां जाना नू ही आप दे आप नू ही बुरा आखो। हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। फायदा होएगा इंशाअल्लाह जुमे का इंशाअल्लाह अजीज। मनूस सफर का महीना नहीं, मनूस की ने साडे अमाल, ऐसे अमाल कर लैने कि जिन्हां नाल फरिश्ते भी दूर भज जाते हैं, तो रहमत रिज़क तो बड़ी दूर की गल है। अपनी दुकानदारियां बदल बदल के चेक ना की जा, इतने नहुसत नहीं तेरिया सोचा च नहुसत है। अपनी रेहड़ियां बदल बदल के, कारोबार बदल बदल के ना वेखी जा, उत्थे नहुसत नहीं तेरिया सोचा च नहुसत है। अपनी थावां बदल बदल के ना वेखी जा, इधर उधर दियां सोचा बदल के एक सोच ते आ कि मैं ठीक करा अपने आप नूं। हर वेले साफ सुथरा रहा कर, नफीस रहा कर, एक एक काम ते अल्लाह नेकियां देंदा ही, फरिश्ते नाजल हुंदे ही। मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने फरमाया तौर ते कुछ भी नहीं, जिहड़ा बंदा रात नूं सौण लग्या वजू करके सौंदा ना, पाक पैगंबर सल्लम ने फरमाया जिन्नी सारी रात सुता रहिंदा ना उन्नी देर तक अल्लाह का फरिश्ता उहदे सराहणे खलो के दुआवां कीतियां, निके निके कम्मां ते। असीं लोकां दे बारे बुरा सोचने, जिहड़ा बंदा चंगा सोचदा ना किसे दा बुरा नहीं चाहुंदा, उहदे पिछे भी एक फरिश्ता खड़ा हुंदा है, उह भी उहनूं कहिंदा है कि अल्लाह तेरियां भी दुआवां इवें कबूल करे जिवें तू किसे वास्ते मंगदा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला नो 360 बेली फ्रेंड लिस्ट दस रहा, 360 बेली ते जदों दुआ करनी सारे वास्ते करनी। उन्हां दी बीवी कहन लगी किवें तुसीं दुआ मंगदे जी, ते उन्होंने अगो हदीस सुनाई मेरे पाक पैगंबर सल्लम दी कि अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जदों तुसीं दुआ मंगो ना जिहड़ा तुहाडा भरा तुहाडे कोल कोणी उहदे वास्ते दुआ मंगो, जदों तुसीं उहदे वास्ते दुआ मंगोगे कोल तुहाडे फरिश्ता खड़ा होएगा, उह कहेगा वाला का भी मिसली ही, जिहड़ा कुछ उहदे वास्ते मंगदा पिआ उहो कुछ रब तेरी। गालां जिहड़ियां असीं कढ़ने आ गालां छोटा जिहा समझने आ, इहनां नूं बहुत छोटा समझने आ, यकीन जाणो बहुत वड्डा गुनाह। झूठ जिहड़े असीं बोलने आ झूठ, इन्हां नूं बहुत छोटा समझने आ, हालांकि सब तो वड्डी नहुसत झूठ है। मेरे पाक पैगंबर सल्लम दी हदीस सुन के तौबा खटिया जे, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया इज़ा कज़ब अल अब्दू, जदों बंदा झूठ बोलदा ना, जदों बंदा झूठ बोलदा तबादानुल मलक मीलन, एक मील फरिश्ता उहदे तो दूर भज जांदा है। किन्ना कु एक मील फरिश्ता दूर भज जाता, क्यों मिन्नत नहीं मां जा भी उस बोह तो उस बदबू तो जी उनके मूह चो आ रही। झूठ बोलते तो बदबू पैदा होती है, फरिश्तिया आती सानू को एक मील फरिश्ता दूर जाता एक झूठ तो। कबीरा गुनाह है झूठ, गालियां आम झूठ आम, कोई टेंशन नहीं, कंध पिछे खलो के, कंध पिछे खलो के, दुकान पिछे खलो के, मस्जिद के अंदर खलो के, झूठ ते झूठ टेंशन कोई। फरिश्ते कि आवन मनूस कि चीज बनना है, असं आप बने फिरने हाँ, साड़िया सोचा मनहूस ने। अल्लाह के बंदे हो कोई महीना कोई लम्हा मनहूस नहीं, अल्लाह ताला को दुआ है अल्लाह ताला जो सुनया सुनाया अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।